हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी अमोनिया। तो यहाँ पे हम इसके प्रिपरेटिव मेथड्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप अमोनिया का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इट इज अ पिरामिडल, तो इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो जो अमोनिया है हमारा, इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर and soil where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter। जैसे कि यूरिया, इसका जब डिके होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रोड्यूस होगा, पहले जो हमारा ये यूरिया है ये क्या करेगा, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे NH4 to CO3 में। और फर्दर ये हमारा क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट टू NH3, H2O plus CO2. On a small scale, ammonia is obtained from the ammonium salts, which decompose when treated with caustic soda or lime. तो जैसे हमने अमोनियम का कोई सॉल्ट लिया NH4Cl, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ट्रीट किया विद दी कास्टिक सोडा, जैसे कि सोडा, और ये हमारा जैसे CaOH2 होता है, तो इसके साथ जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हमारा अमोनिया जो है वो फॉर्म होगा और साथ में हमारा वाटर और CaCl2 फॉर्म हो जाएगा। ऐसे या कोई और सॉल्ट ले लो अमोनिया का, दैट इज अमोनियम सल्फेट, तो वो जब हमारे किसी यहाँ पे NOH के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो NH3 फॉर्म होगा, वाटर प्लस Na2SO4। लार्ज स्केल पे अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट बाय द मेथड ऑफ द हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस के थ्रू हमारा ये प्रिपेयर होगा। और जो ये रिएक्शन है हमारी, ये कैसी है, ये हमारी एक्सोथर्मिक नेचर की है। तो अब यहाँ पे अगर हम लीच एटीलियस का प्रिंसिपल लगाते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। तो बीइंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें अगर टेम्परेचर को लो किया तब जो हमारी रिएक्शन है वो क्या करेगी, इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब वो हमारी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगी एट दी लो टेम्परेचर। पर जो हमारा लो टेम्परेचर होगा तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी स्लो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमें चाहिए फॉर रिएक्शन, इट हैज टू बी अराउंड 700 केल्विन। और हमें यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर की जरूरत है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारी होगी इट अकर्स विद डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा, तो हाई प्रेशर जो है इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जो यहाँ पे प्रेशर है हमारा, इट शुड बी अराउंड 200 एटमॉस्फेयर। तो इस टेम्परेचर के अराउंड, इस प्रेशर के अराउंड ये रिएक्शन हमारी जो है वो हो पाएगी। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, K2O एंड Al2O3, ताकि रेट जो है हमारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से हमारी जो ये रिएक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने शो किया है कि कैसे S2N2 हमारा ये कंप्रेसर में जाते हैं, फिर फर्दर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये NH3 में कन्वर्ट होते हैं और फिर फर्दर हम इसको लिक्विड NH3 में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो अमोनिया हमारी एक कलरलेस गैस है और इसका ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा पंजेंट ऑर्डर होता है। तो ये बीइंग कलरलेस एंड इट इज अ पंजेंट ऑर्डर गैस, इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट इज अराउंड 198.4 केल्विन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 239.7 केल्विन है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दीज आर एसोसिएटेड थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज इट अकर्स इन द केस ऑफ वाटर। तो इस वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं रादर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन for its higher melting point and boiling point. अब हमारे इसकी शेप की बात आती है। तो जो हमारा ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि वो पिरामिडल होता है शेप में, और यहाँ पे क्या है, इसके 3 बॉन्ड पेयर्स है, ये इसके 3 बॉन्ड पेयर्स है और ये इसका यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। अमोनिया गैस जो है हमारी वो वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है एंड इसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो क्या है, इट इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द OH- आयन। तो जब NH3 हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे NH4 4+ OH- and due to this formation of OH- ions, it behaves as a weakly basic solution. ये हमारी जो अमोनिया है ये क्या करती है, इट फॉर्म्स द अमोनियम सॉल्ट्स विद द एसिड्स जैसे कि NH4Cl, NH4SO4 और क्योंकि अब ये हमारा एक वीक बेस है तो ये क्या करती है, इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। जैसे आपने FeCl3 के साथ रिएक्ट किया NH4OH को तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन पीपीटी जो है Fe2O3.xH2O का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ऐसे जब आप जिंक सल्फेट लोगे उसके साथ NH4OH को रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाइट पीपीटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड NH4SO4 हमें मिल जाएगा। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, ये इसको प्रेजेंस जो है लोन पेयर की इसको एज अ लुईस बेस बिहेव करने पे मजबूर करता है क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इस वजह से इट बिहेव्स एज अ लुईस बेस। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है एंड इट फॉर्म्स अ लिंकेज विद द मेटल आयंस। तो ये क्या करेगा, मेटल आयन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एज अ डोनर काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस लाइक Cu2+, Ag+। जैसे यहाँ पे हमने लिया Cu2+ ब्लू कलर का, उसके साथ हमने NH3 को एज अ डोनर यूज किया तो इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट विल बी डी ब्लू इन कलर। ऐसे ही जब आप Ag+ और Cl- को रिएक्ट करोगे AgCl बनेगा और अब इस AgCl को अगर आप डोनर NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट विल बी कलरलेस। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। अब इसके यूजेस क्या हैं डाइनाइट हमारे अमोनिया के, तो अमोनिया जो है हमारा इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड मेनली किसके यूज प्रोडक्शन में ये यूज होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। और जो लिक्विड अमोनिया है उसको एज अ रेफ्रिजरेंट हम यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द अमोनिया। अगेन ये फर्टिलाइजर हमने डिस्कस कर लिया सो एज टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इट इज यूज फॉर द कूलिंग एजेंट इन द रेफ्रिजरेटर सो एज टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। इसको हम एक्सप्लोजिव्स का फॉर्म करने के लिए, एक्सप्लोजिव्स को फॉर्म करने के लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया के बहुत सारे यूजेस हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि जो NH3 है हमारा वो एज अ लुईस बेस काम क्यों करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है NH3 में उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन बी यूज फॉर दी डोनेशन पर्पज। तो हमारा क्योंकि ये सब स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है तो ये किसका काम करेगी, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ लुईस बेस। और अब आगे जो स्पीशीज इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगी वो एज अ लुईस एसिड का काम करेगी। दैट्स व्हाई NH3 acts as a Lewis base. So this was all about the discussion of the ammonia, its properties, its preparation and its uses. Thank you.